ऑलराइट, तो मैं निकल पड़ा हूँ अपनी इवनिंग वॉक पे इस बार सुबह। आज टाइम नहीं मिला मेरे को, तो मैंने सोचा कि चलो शाम को चलते हैं थोड़ी देर बाहर। शूट की वीडियोस एक दो एंड देन आई केम आउट, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था। इट्स क्लाउडी, इट्स विंडी, अच्छा लग रहा है इस वक्त। और दिल्ली में कुछ एक महीने डेढ़ महीने से अच्छी बारिश हुई है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी इस साल, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। इस वक्त पार्क में बस मैं ही हूँ और अपने साथ मैंने एक बैग कैरी किया जिसमें कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी एक्सरसाइज करने के लिए एंड ऑल दैट। पूरी वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेकिन अभी आई एम जस्ट डूइंग रैंडम वॉकिंग हियर और एंजॉइंग द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ दिस पार्क। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में दिखाया भी है पहले भी, लेकिन यही है, आई ट्राई टू अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस राइट नाउ, क्योंकि काफ़ी रिस्की है अभी जो चल रहे हैं सिचुएशन। काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, ये कम से कम 1.5 किलोमीटर का है और इट्स टोटली जंगल, पूरा जंगल है ये। और आज मुझे यहाँ पे कोई नज़र भी नहीं आ रहा है एंड आई एम कैरिंग दिस एक्सपेंसिव गैजेट राइट नाउ विद मी। थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी का कंसर्न आता है बिकॉज यू नॉट इन पब्लिक स्पॉट्स, लेकिन पब्लिक स्पॉट्स पे मैंने देखा है कि जब मैं फिल्मिंग करता हूँ शूट करता हूँ लोग आसपास आके देखते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो इट्स यू नो फॉरेन कंट्रीज़ में इतना इशू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे लोग ऑलरेडी उनको पता है कि आप टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट की फॉरेन कंट्रीज़ में जो है काफ़ी देखा जाए तो रिस्पेक्ट होती है उस हिसाब से और यू फील सिक्योर एक्चुअली देयर। लेकिन कुछ जगहों पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लुक एट दैट, और ये मैं। तो मेरा यही आइडिया रहता है एक्चुअली कि जब भी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ या इवनिंग वॉक के लिए आता हूँ तो मैं यूजुअली कैरी माई गिम्बल, माई कैमरा, और फिल्मिंग करता जो है जाता रहता हूँ। तो मेरा काफ़ी टाइम बचता है इससे और काफ़ी अच्छी इंट्रैक्शन भी हो जाती है सबसे। ओह लुक एट दैट, तो रास्ता तो बंद है। साइड से जा सकते हैं वैसे, निकल के बाहर। Oh, let's carry on our journey. What a beautiful day. देखिए पूरा का पूरा ये जंगल है। किसी दिन एक्सक्लूसिवली पूरी इस पार्क का टूर करेंगे एंड तो मज़ा आएगा, काफ़ी एडवेंचर लगता है और खाली बैठे करें भी क्या। वीक ऑफ है आज और बस enjoying my time. Look at this. जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना romantic songs, ऐसे पेड़ों के आसपास शूट होते थे। It's like that actually. चलते चलो। और ये जो वॉल आप राइट साइड पे देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली वॉल ऑफ द यूनिवर्सिटी हियर। मैं यूनिवर्सिटी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा बिकॉज फॉर सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन इट्स अ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। और रास्ता काफ़ी लंबा है, आई शुड बैक ट्रैक नाउ, क्योंकि मुझे कुछ शॉट्स भी लेने अच्छे बढ़िया और वो इस वीडियो में डालेंगे एंड यू एंजॉय द सीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज की रेसिपी के लिए हम बनाने जा रहे हैं समोसे नमकीन वाले एक्चुअली। तो उसके लिए मेरे पास कुछ यहाँ मसाले हैं, चीज़ें दी हुई हैं और मैं आपको बताता हूँ ये बारी बारी। तो पहली चीज़ है खूब सारा लाल मिर्च, देन वी हैव कोरिएंडर पाउडर, देन वी हैव सम गरम मसाला, देन सम आमचूर विच इज़ नोन एज मैंगो पाउडर। इसके बाद है हमारे पास थोड़ा सा चाट मसाला,
थोड़ी सी सौंफ है हमारे पास, फेनल सीड्स, और साथ में है क्रश्ड काजू। इसके अलावा है हमारे पास थोड़ा सा अनारदाना एंड सम रेजन्स किशमिश। इसके अलावा जो हम जो बैटर बनाएंगे, एक्चुअली वो हम मैदे का बनाएंगे समोसों के लिए, और यहाँ पे मेरे पास पूरी एक कटोरी जो है मैदे की है। इसके अलावा कुछ नमक है यहाँ पे, और लास्ट में है हमारे पास थोड़ा सा बेसन। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे है मैदा जैसे मैंने पहले बताया, और इसको मैं एक इस बर्तन में डाल देता हूँ, एंड देन थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट जो है डालेंगे, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल भी डालेंगे, ताकि जो बैटर है उसका, वो जब समोसे तल के हम निकालेंगे, जब फ्राई करके निकालेंगे, डीप फ्राई करके, तो उस वक्त काफ़ी क्रिस्पी रहेंगे, ऊपर से जो उसका आउटर लेयर है, जो उसका क्रस्ट है, वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो उसके लिए हम डालेंगे इसके अंदर तेल, एंड वी विल जस्ट यू नो नीड द डो, और अवर समोसा बैटर वुड बी रेडी। तो मैंने अब जैसे पहले आपको बताया था कि बेसन लिया, बेसन के अंदर थोड़ा घी डाल के उसको हमने रोस्ट किया है, ठीक है, एक कढ़ाई के अंदर, वॉक के अंदर, और अब मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ खूब सारे मसाले। पहला इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाया था लाल मिर्च, जो कि इसके अंदर गई। इसके अलावा है हमारे पास यहाँ पे कुछ चाट मसाला, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। धनिया पाउडर जैसे मैं पहले दिखा रहा था आपको, धनिया पाउडर गया इसके अंदर। देन वी हैव सम गरम मसाला, गरम मसाला भी गया, और ये थोड़ा आमचूर पाउडर है, मैंगो पाउडर, तो ये भी गया। इसमें अब जाएगा थोड़ा सा नमक। अब हमारे पास बचा है कुछ, ये भी मैं डाल देता हूँ पहले, चाट मसाला है। अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सौंफ, देन वी हैव क्रश्ड कैश्यूज। इसके अलावा जो है हम डालेंगे इसमें अनारदाना, जैसे मैं पहले कह रहा था आपको, और इसके साथ जाएगी रेजिन्स किशमिश, एंड वी आर गुड। सो लेट्स मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली, और ये हमारा जो है मिक्सचर, जो स्टफिंग है समोसों की, वो तैयार हो गई है। आप अगर चाहें तो इसे एक बार और गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन बेसन जो है पूरी तरीके से जो है रोस्टेड है इस वक्त, और इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने बताए आपको, वो भी सब इसमें चले गए हैं, एंड वी शुड बी नाउ रेडी टू डू द फिलिंग। तो मेरे पास है अब एक जो गूंदा हुआ मैदा, जिसके अंदर मैंने नमक डाला था और थोड़ा सा घी डाला है, और अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे, स्टफिंग करेंगे समोसों की, तो उसका कुछ ऐसे हमें एक फोल्ड देना है लाइक समोसा, और इसमें हम अब करते हैं फिलिंग अपने मिक्सचर की, जो कि हमने तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि ये इसमें मैंने अच्छे से भर दिया है। तो यू कैन ऑल्सो गिव इट अ शेप ऑफ कचौरी और समथिंग इफ यू वॉन्ट, और इसको अब हमने एक और फोल्ड दिया है पीछे से, और थोड़ा पानी यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, जब भी हमने फोल्ड देना है, थोड़ा अप्लाई सम वाटर टू स्टिक इट वेल फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स,
तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो समोसा है वो बिल्कुल तैयार है। तो आज की जो हेल्थ टिप है वो ये है कि मेरे पास आ गया है अपना आंवले का जूस। जी हाँ, आंवले का जूस। और इसमें अगर हम थोड़ा सा एक चम्मच के आसपास क्लैरिफाइड बटर डालें, जो कि घी है, तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी यू नो हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी, जिसकी वजह से आपके बाल, आपकी जो हेयर की ग्रोथ है, स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव करती है। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ गुड टू गुड फॉर मेंटेनिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स। तो चलिए, ये तो था आज का हेल्थ टिप, और अब चलते हैं सीधा देखने के लिए कि हमारे समोसे बन के रेडी हैं कि नहीं है, और खा के देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। ऑलराइट, तो हमारे समोसे बन के तैयार हो चुके हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, और मैं अब आपको इसको खा के दिखाता हूँ। पूरी प्लेट है, और एज यू कैन हियर द साउंड ऑफ क्रस्ट, ये देखिए। दिस इज फैंटास्टिक एंड व्हाट अ परफेक्ट टाइम टू एंड माय वीडियो। तो प्लीज गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेके मैं आता रहूंगा, एंड आई होप दैट यू वुड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।